ऐसा है यार, तुम्हारे पास मिलता है एक पूरा सा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और तुम्हारे पास मिलते हैं 4 से 5 ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुमको 4 ऑप्शंस में आंसर देना होता है कि कौन सा सही समरी है। अब समझने वाली बात है कि समरी में अपन लोग किस चीज को इंक्लूड करें और किस चीज को इंक्लूड ना करें, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ऑप्शंस इसी में खेलेगा तुम्हारे साथ, कभी कभी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा, कभी कभी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट तो होगा लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तुमको दो चीजों की बात को खास ख्याल रखना है, पहला समरी वही होता है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पैराग्राफ कैरी करता है, और दूसरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पैराग्राफ कैरी करता है। बोलो क्लियर है ना। अब हम लोग किसी भी पैसेज को, या फिर तुम लोग जब ऐसे लिखते हो, तो ऐसे लिखते हो तो क्या करते हो, जब भी ऐसे लिखते हो तो दो तरीके के आइडियाज आते हैं। पहला तो होता है बताओ क्या, मेन आइडिया, और दूसरा आता है बताओ क्या, सबऑर्डिनेट आइडिया। अब तुम सवाल पूछोगे मेरे से कि सर मेन आइडिया और सबऑर्डिनेट आइडिया में अंतर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि इसका एग्जाम्पल दूंगा कि चलो तुमको ऐसे मैंने दिया कि भारत के बैंकिंग व्यवस्था पे कुछ लिखिए, तो आप पहले क्या बोलोगे कि भारत में जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनका जो मदर बैंकिंग सिस्टम होता है वो आरबीआई द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। भारत में बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और कुछ सरकारी बैंक्स हैं। जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, SBI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हो जाएंगे, और सरकारी बैंक्स माने SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ बोलोगे। मैंने जो एग्जांपल्स दिए ये बताओ मेन आइडिया का हिस्सा था या सबऑर्डिनेट आइडिया था। सबऑर्डिनेट आइडिया अगर ये पैराग्राफ में मैं मेंशन नहीं भी करता तब भी क्या पैराग्राफ के स्ट्रेंथ पे कोई असर पड़ता? नहीं पड़ता। दैट मींस एग्जांपल्स जो होते हैं अधिकतर बताओ क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट आइडियाज होते हैं। मेन आइडिया वो होता है जो किसी चीज को, नए इंफॉर्मेशन को आपको क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस जो करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन आइडिया बोलेंगे, और मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आइडियाज जो मेंशन होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, सबऑर्डिनेट आइडियाज। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मेन आइडिया है। इन इंडिया देयर आर 30 स्टेट्स, मेन आइडिया है। लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सबऑर्डिनेट आइडिया है। बोलो करेक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 30 स्टेट्स, ऑल द 30 स्टेट्स आर ग्रेट स्टेट्स। ये ग्रेट स्टेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबऑर्डिनेट आइडिया है, क्योंकि ये ग्रेट है कि नहीं है ये इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, आप जो फील कर रहे हो वो है। बोलो करेक्ट है ना। तो याद रखने वाली बात ये है कि हमेशा किसको जगह देंगे हम लोग ऐसे में, सॉरी ऐसे कह रहे हैं समरी में बेटा मेन आइडिया, कहीं कहीं समरी में आपको समरी की जगह जो वर्ड यूज होगा वो आपके लिए बताओ क्या होगा बेटा, एसेंस होगा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ, तो एसेंस भी तुमसे पूछा जा सकता है, तुमसे कभी कभी समरी भी पूछा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि समरी में हम लोग कभी भी, या चाहे एसेंस में भी कभी, हम लोग एग्जाम्पल्स को तब तक इंक्लूड नहीं करते हैं जब तक वो कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना प्रेजेंट कर रहा हो सकता है कि समरी में हम लोग कभी कभी एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड कर लें, लेकिन तभी करेंगे जब वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रेजेंट कर रहा होगा, डिसाइडिंग पॉइंट होगा, या मेन आइडिया का ही एक्सटेंशन होगा। मेरी बात नहीं समझे? कभी कभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग मेन आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि भारत में कई सारे बैंक्स हैं जो कि करप्ट हैं, जैसे SBI और पंजाब नेशनल बैंक। अब देखो मैंने जो बोला कि भारत में कई सारे बैंक्स करप्ट हैं जैसे SBI और PNB, ये PNB और SBI के थ्रू बताना चाहता है कि इनके जैसे बैंक्स करप्ट हैं। अब ये क्या है, ये क्या है, मेन आइडिया का ही एक्सटेंशन हो गया। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस ऑन। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल जो होता है हमेशा एक सबऑर्डिनेट आइडिया ही प्रेजेंट करता है, समटाइम्स दोज आइडियाज कैन बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन आइडिया बेटा। So whenever you are writing a summary or whenever you are trying to find out the essence of the paragraph, you have to ensure that you are able to decide between what is a subordinate idea, which is not needed in the paragraph, or even if this idea is absent in the paragraph, the overall idea will not change. And sometimes the same example can add weightage to the main idea. In that particular case, you will not miss it. Are we clear on this? Yes or no? क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक बात है, बहुत सुंदर बात है। अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसके पहले भी आपको एक चीज समझनी होगी,
कि समरी का, समरी निकालने से पहले, समरी का आंसर मार्क करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा. पॉइंट नंबर वन, राइट, रीड द पैराग्राफ केयरफुली, रीड द पैराग्राफ वेरी केयरफुली. क्यों केयरफुली पढ़ने की जरूरत है? ताकि आप मेन आइडिया और सबऑर्डिनेट आइडिया में क्या कर पाए, डिस्टिंक्शन. ये करना इतना आसान नहीं होगा, ये सुनने में आसान लग रहा है, करने में ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है. इसमें महारत साबित करने के लिए, इसमें महारथी बनने के लिए आपको 100-200 सवाल इसके सॉल्व करने होंगे, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में हो रहा था कि सुनने में कुछ और होता है लेकिन क्वेश्चन सामने आता है तो दर्द बढ़ जाता है. यू अग्री? डू यू अग्री विथ मी? यस ऑन. सिमिलर थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो, राइट? तो समरी क्वेश्चन कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, सो यू हैव टू बी वेरी कीन एट अंडरस्टैंडिंग वॉट इज इंपॉर्टेंट इन द पैराग्राफ एंड वॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द पैराग्राफ. दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल. Number two, and a very important part of the paragraph, part of the finding essay is exclude the examples unless they are part of a relevant information. एक्सक्लूड कर दो. अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट कर रहा है छोड़ दो, लेकिन अगर कर रहा है तो रख, ठीक है. और तीसरा, पैराग्राफ का टोन समरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टोन एंड थीम वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैराग्राफ. टोन एंड थीम बहुत जरूरी है. टोन और थीम क्यों जरूरी है? आंसर को फिल्टर आउट करने के लिए. हो सकता है कि पैराग्राफ पॉजिटिव बात कर रहा हो और सेम चीजों को ऑप्शन में नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया है. हो सकता है ना? हो सकता है कि पैराग्राफ सरकास्टिक टोन कैरी कर रहा हो और जो ऑप्शन उसका प्रेजेंट कर रहा हो, जो समरी प्रेजेंट कर रहा हो, वो इंफॉर्मेशन की तरह प्रेजेंट कर रहा हो. तो एक बात बताओ, क्या सेम आइडिया को अगर प्रेजेंट किया गया लेकिन उसका टोन चेंज हो गया तो क्या एक्सप्रेशन सेम रहा क्या? नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन तो दो चीजों को मिलकर बनता है, आप क्या बोलते हो और कैसे बोलते हो. क्या बोला गया वो तो इंक्लूड किया, लेकिन कैसे बोला गया उसको इंक्लूड नहीं किया, तो ओवरऑल मीनिंग चेंज हो गई. मैंने बोला, मेरे से कोई सामने मिला, मैंने बोला हाय, राइट? मीनिंग चेंज हो गई ना. इट इज नॉट द वर्ड्स विच मैटर, इट इज ऑल्सो द टोन इन विच द वर्ड्स आर डिलीवर्ड विच मैटर्स. So with the overall content of the question, we also have to see if the option is following the same tone. If it is positive, if it is negative, motivation hai kya, encouraging hai kya, you know, information hai kya, derogatory hai kya, hai na, sad hai, happy hai na, inspiring hai, right? Speech hai, monologue hai, drama hai, dialogue hai. ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट. सरकाज्म है, सटायर है, यू नो, ह्यूमर है. अब बोला ऊपर बहुत ह्यूमरसली गया है और नीचे बहुत ही सीरियसली लिखा गया है. दैट कैनॉट बी द एसेंस और दैट कैनॉट बी द समरी ऑफ द पैराग्राफ. डू यू ऑल अग्री टू मी? यस, राइट. सो आपको टोन को भी कैरी करना है, साथ ही साथ थीम. थीम क्या? ऊपर सोचो इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है, सेम चीजों को नीचे लिटरेचर की तरह बोला गया है, कल्चर के लिए बोला गया है, हिस्ट्री के लिए बोला गया है. नो, दैट शुड नॉट बी द राइट केस, राइट? तो थीम को भी कैरी ऑन करो, टोन को भी कैरी ऑन करो. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस. अब इतना तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था. अंग्रेजी में वैसे भी जानते हैं थ्योरी बहुत ज्यादा होती नहीं है, इट इज मोर अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन विच मैटर्स. तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे. अग्रीड? यस ऑर नो? चलो कुछ सवाल. यहाँ पे आप लोग के पास फिजिकल कॉपीज भी हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं और फिजिकल से भी कर सकते हैं. हालांकि हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे तो फिजिकल से नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती क्वेश्चंस को छोड़ देता हूं मैं शुरुआत के क्वेश्चंस को. एक मिनट, इसमें मुझे लगता है पैरा समरी 2 भी है, 1 भी है. एकदम इजी,
पीछे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपन लोग, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो हमारे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, आप इस सेम हैंडआउट को अपने लाइब्रेरी सेक्शन में जाके VA के हैंडआउट में समरी 1 का आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले आप लोग ये कर लीजिए, बाद में जब करना होगा तो आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मैं चाहता हूं सब लोग पहले इसको ना क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय रीड करो, राइट, सॉल्व आंसर पे ध्यान मत दो, जो बोला गया है उसको थोड़ा पढ़ो और देखो कि इसका कौन सा बेस्ट आंसर हो सकता है। चलो 2 मिनट के लिए क्वेश्चन देखो। मिनिमाइज कर दें। ठीक है, जी देखेंगे बेटा, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्रिमिनल्स वॉच टेलीविजन टू एंड देयर इज एविडेंस दैट दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन क्राइम शोज आर आफ्टर ऑल एटलीस्ट ग्राउंडेड इन ट्रूथ। भाई कहता है कि टेलीविजन में जो भी दिखाया जाता है, सावधान इंडिया दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई पे ही रिलेटेड होता है, और जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं वो भी टेलीविजन देखते हैं, यानी कि आप जिस टेलीविजन को सावधान होने के लिए देखते हैं उसी से नए वाले जो हैं वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए देखते हैं। बोलो हाँ या ना। ब्लीच, जैसे कि ब्लीच विच डिस्ट्रॉयज डीएनए, ब्लीच जो है डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, इज नाउ मोर लाइकली टू बी यूज बाय मर्डरर्स टू कवर देयर ट्रैक्स। उन्होंने सावधान इंडिया में देख लिया कि अच्छा अच्छा लोगों को पता चल गया कि ब्लीच, तुमको भी तो पता चल गया ब्लीच, तो मर्डरर्स को, मर्डरर्स जो अपना ट्रैक को कवर करने के लिए क्या यूज कर देते हैं, ब्लीच यूज कर देते हैं। द वेयरिंग ऑफ ग्लव्स इज मोर कॉमन एज इज द टेपिंग शट रादर देन द डीएनए लेडन लीकिंग ऑफ एनवेलप्स। और जब वो envelopes को जब वो लोग थूक लगाते थे तो वहां से डीएनए लगा के लोगों को पकड़ लिया जाता था, वो भी यूज नहीं करते, वो तो टेप यूज करते हैं, वहां पे मेरा डीएनए भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो थूक लगाया ही नहीं वहां पे। इन्वेस्टिगेटर्स कॉम्ब क्राइम सीन्स एवर मोर फाइनली नाउ फॉर न्यू काइंड्स ऑफ एविडेंस। चूंकि वो चोर भी जान गए हैं कि ये सब नहीं करना है, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को और प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, कौन, चोर, तो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। Which is creating problems with the tracking and storage of evidence, और जिसकी वजह से investigators को evidence नहीं मिल रहा है, नहीं समझे बात को? अब क्या बोलता है देखते हैं, ये पूरा का पूरा मामला। एक बात अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज मतलब ऐसी नहीं है जो कि important ना हो। कुछ चीजें जो important है नहीं हो सकती वही है कि gloves और tape, ये सारी चीजें important क्योंकि ये एग्जाम्पल ऑफ द मेन आइडिया है। अरे बोलो हो ना। चलो देखते हैं। एक,
Since criminals are also influenced by television shows, they change their behavior to leave fewer traces, forcing investigators to search for new kinds of evidence. हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वैसे ही वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो ए वाला तो काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं. समरी में हमेशा याद रखिए, यू ऑलवेज शुड रीड ऑल द ऑप्शंस बिकॉज यू नेवर नो विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर. एक आंसर मिल गया और तुम खुश हो गए कि अरे आंसर तो यही है, मार्क करके आगे बढ़ गए, गलती हो सकती है. हो सकता है कि दूसरा कोई ऑप्शन उससे बेटर तरीके से लिखा गया हो. इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट आंसर, इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट आंसर. यू कैन हैव मोर देन टू राइट आंसर्स आल्सो, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट राइट आंसर. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस ऑन बी. क्रिमिनल्स लर्न फ्रॉम टेलीविजन शोज that bleach can destroy DNA and have learned to cover their tracks, giving rise to the need of new kinds of. Are we talking only about bleach or we are talking about all kinds of evidences? Bleach is an example to it. Bleach is an? Is it the part of the main idea or example of the main idea? Example of the main idea. So this is not something we can go for. Do you all agree with me? Yes. We'll go for C. The problem of having to search for new kinds of evidence arises from criminals who watch television learning to cover their tracks better. अरे ये problem इससे थोड़ा ना आती है कि criminals television watch करते हैं. Problem इससे आती है कि evidence नहीं मिल रहा है. Right? So ये तो नहीं होगा answer. ये भी थोड़ा सा उल्टा हो गया है. Tone नहीं है वो जो option का tone है. D. Since criminals learn from television that bleach destroys DNA, wearing gloves, taping envelopes, etc. cover their tracks. ये फिर से देखो सारा example दे रहा है यहाँ पे तो. और हम तो मेन आइडिया में जब वो बोल चुके हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इसको हटा देंगे. बेस्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा बेटा? ए. अरे बोलो आया कि नहीं आया? राइट. सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑप्शंस. रिया भतेजा समझ में आया बेटा तुमको? शुभांगी और हिमांशु और ज्ञानेन मणि त्रिपाठी जल्दी से बता दो मेरे को. यस ओके ओके. बाकी लोग भी बता दो भाई मेरे को. शुभांग जी सिंह और हिमांशु. ठीक है बहुत बढ़िया है. आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वाले को. हाँ ठीक है. ट्वेंटी वन क्वेश्चन करिए. दो मिनट है. कोशिश किया कीजिए कि आप लोग स्क्रीन से पढ़ा करिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा उसमें स्क्रीन ही रहेगा. नहीं समझे आप? कॉपी पेन पे पढ़ने की आदत कम से कम डालिए, लैपटॉप स्क्रीन पे पढ़ने की आदत ज्यादा डालिए.
सी। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। स्टोरिंग एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर। बैटरीज कैन बी बल्की, स्लो टू चार्ज। तो यहां पे लिखते चलना है, ये आदत बनाओ। आसान क्वेश्चन से आदत बनाओगे तभी मुश्किल क्वेश्चंस में कर पाओगे। मेरी बात नहीं समझ में? आदत बनाइए। क्या फ्लो चार्टिंग करने का, आइडिया मैप करने का, आइडिया मैपिंग की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कैट में जितने सवाल आएंगे सभी में आपको आइडिया मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आरसी हो चाहे वो समरी हो, है ना। पैरा जंबल्स को छोड़ के लगभग हर जगह आपको आइडिया मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। बोलो करेक्ट है ना। तो आइडिया मैपिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टोरिंग एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा, ऑल्टरनेटिव सोर्स मतलब बिजली बेसिकली, राइट। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर गाड़ियों में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्टोरिंग, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अग्रीड यस और नो? ठीक बात है, हमने यहां पे लिख लिया। फिर क्या बोलता है, बैटरीज कैन बी बल्की एंड स्लो टू चार्ज। और ये प्रॉब्लम नंबर टू बताओ क्या है, ये बल्की है बैटरी, क्या है बल्की है और स्लो है। ठीक बात है, प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर टू। हाइड्रोजन विच कैन बी मेड इलेक्ट्रोलिटिक एलाय फ्रॉम वाटर इज यूज्ड टू पावर फ्यूल सेल्स इज डिफिकल्ट टू हैंडल। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज में दिक्कत होगी, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डिफिकल्टी टू हैंडल हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, डिफिकल्टी टू हैंडल। एग्जाम्पल में किसको दिया है, हाइड्रोजन को। फिर बट देयर मे बी एन ऑल्टरनेटिव मैग्नीशियम, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव है, बताओ कौन सा भाई, मैग्नीशियम, जो इसके प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। मैग्नीशियम क्या है भाई, स्कूल केमिस्ट्री लेसन शो मेटेलिक मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड स्टोर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन अ फ्लेम विद अ सैटिस्फाइंग व्हाइट हीट। रिसर्चर्स आर नाउ डिवाइसिंग वेज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम मैग्नीशियम इन अ मोर कंट्रोल्ड फैशन। तो ये स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बल्क वाला दोनों का, और डिफिकल्ट टू हैंडल, ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर आप बैटरी बनाए, बताओ किससे, मैग्नीशियम से। So, ये मैग्नीशियम इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। चलो देख लेते हैं ये सारा का सारा आइडिया कहां पे देखने को मिलता है। ए, प्रॉब्लम्स विथ द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल क्यों बोला, उसे नाम नहीं लिया, लेकिन इससे समझ में आता है कि बैटरी और हाइड्रोजन की बात कर रहा था। हैव फोर्स्ड द रिसर्चर्स टू टर्न देयर अटेंशन टू मैग्नीशियम विच स्टोर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी नेचुरली, राइट। लेकिन हमको तो जलाना पड़ेगा ना उसको, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेचुरल लिख के थोड़ा सा क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, बी, एज हाइड्रोजन एंड ड्राई सेल्स पोज ग्रेट ऑब्स्टिकल्स टू स्टोरिंग एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट ओनली दीज आर पोजिंग ग्रेट ऑब्स्टिकल्स, देयर आर मेनी मोर विच हैव नॉट बीन नेम्ड। अरे बोलो ना यार, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दीज टू थिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा क्या हो सकता है, वीक ऑप्शन है। ये भी वीक है और ये भी वीक, ये तो वीक यहीं पे गलत हो गया, एक वर्ड ने पूरे आंसर को गलत कर दिया। डू यू ऑल अग्री विथ मी? यस सर। सी देखो, एज स्टोरिंग एनर्जी इज अ बिग ऑब्स्टिकल इन द अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, राइट। Researchers are looking at extracting energy from magnesium, which stores a lot of energy. ठीक है, तो storing energy एक बड़ा obstacle हो सकता है, और इसके लिए वो लोग researchers जो है extracting energy from magnesium में देख रहे हैं, जो कि बहुत energy को save रखता है। C वाला अभी तक का तो best answer दिख रहा है। D देखते हैं, researchers are devising ways to extract energy from magnesium. As magnesium stores a lot of energy compared to the bulky dry cells and hydrogen, but mere ko lagta hai ki isse
जो ऑब्स्टिकल वाला जो प्रॉब्लम है, जो टोन ऑफ द पैराग्राफ है, वो टोन फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वही है जो सी में दिखा गया है, लेकिन यहां पे एज अ प्रॉब्लम शो किया गया है और यहां पे बहुत ही लाइटली इसको बोल रहा है। तो क्या टोन ऑफ द ओवरऑल पैराग्राफ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चूंकि ये टोन कैरी नहीं कर रहा, इसलिए डी वाला आंसर नहीं होगा। बेस्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी, बिकॉज इट सेज द सेम थिंग येट कैरीज द सेम टोन। तो डी वाला गलत है क्योंकि टोन नहीं है, ए वाला गलत क्योंकि एडेड इंफॉर्मेशन है, बी वाला गलत है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स को थीम बना दे रहा है, सी वाला इसलिए सही है क्योंकि वो सबको सही लेके चल रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस? सो द करेक्ट आंसर इज सी। हाँ बेटा, सभी की तरह मल्टी पॉइंट होने तो ओवर है, तो सर नेचुरली तो वो हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड में होता है, वो नेचुरली यू डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड अनलेस इट इज रिटन। नहीं समझे बात को? अगर पैराग्राफ में नहीं लिखा है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होता है और ऑप्शन में लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, तो आंसर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज दैट इज एन एडेड इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट, यू विल नॉट यूज योर जीके नॉट टू गेट टू द राइट आंसर अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन इटसेल्फ। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों सी ए आंसर होगा करेक्ट? ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो, हम लोग के पास व्यवस्था है आपकी आवाज पहुंचने की। हाँ, माइक स्पीकर लगा है, हल्का वाला ही है लेकिन काम करता है। क्यों कौन सा? वाला हाँ, बी गलत क्यों था? बी वाला क्योंकि वो एग्जांपल ले रहा है ना, हाइड्रोजन एंड ट्राइसल्स की बात कर रहा है, बट वी वर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ठीक, अब ये जरा देख लो, 19 बहुत रिलेटेड है पिछले वाले क्वेश्चन से ही, लेकिन आप लोगों को, रुको अभी इसको छोटा कर दे, नहीं तो रिया कहेगी कि सर मिनिमाइज करिए इसको, इससे पहले कि वो बोले हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अभी मेरे को लगता है रिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। चलिए, 2 मिनट में पढ़िए क्वेश्चन को। सर एसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, एसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते बंद कर देते हैं ना, पंखा चला देते हैं, हैं। हाँ इसी बंद कर देते हैं। पीछे वाला फैन चला दो। सी सी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। सबने फ्लो चार्टिंग करी? करा? फ्लो चार्टिंग करा, जरूरी है। ठीक है, फ्लो चार्टिंग करना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। Although new battery technologies are emerging, their weight and size is likely to remain a drag on the development of electric and hybrid cars. तो
हाइब्रिड कार में, ओहो यस, हाइब्रिड कार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताओ क्या हो जाएगा? वेट एंड, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, वेट एंड साइज ऑफ बैटरी। यहां पे लिख लिया मैंने कि हाइब्रिड कार्स में, हाइब्रिड कार्स में प्रॉब्लम जो होगा वो सबसे बड़ा ये होने वाला है। आगे क्या बोलता है? फोर्सिंग मैन्युफैक्चरर्स टू कम अप विथ न्यू एंड इन्वेंटिव वेज टू शेड वेट एंड फ्री अप स्पेस। अब इसको लिखने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेजर प्रॉब्लम ये है, उसके सॉल्यूशन की बात करने वाला है ये। ठीक है, तो अभी ये वही रहेगा कि हाइब्रिड कार का मेजर प्रॉब्लम वेट, साइज और बैटरी है उसका, बैटरी का वेट और साइज है। वन सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन क्या दे रहा है इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दे रहा है इसका सॉल्यूशन बेटा? विच रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग इज टू बिल्ड कार्स यूजिंग हाइब्रिड मटेरियल। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या है? हाइब्रिड मटेरियल है। अच्छा, ये हाइब्रिड मटेरियल क्या करेगा? अ कार्बन कॉम्पोजिट दैट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हाइब्रिड मटेरियल जो होगा, एक कार्बन कॉम्पोजिट होगा जो क्या कर लेगा भाई, स्टोर कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को, साथ ही साथ दैट वे कार डिजाइनर्स कुड कंबाइन स्ट्रक्चरल फॉर्म, यानी कि जो कार की बॉडी बनाएंगे ना वो इसी मटेरियल से बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सके। अरे नहीं समझे मेरी बात, तो स्टोर भी कर लेगा और कार को स्ट्रक्चरल डायमेंशन भी दे देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी स्टोर हो गई, गाड़ी भी बन गई और वेट और साइज ऑफ द बैटरी से उनको छुटकारा भी मिल गया। तो इस पूरे पैराग्राफ में दो चीजें हैं, एक है प्रॉब्लम, दूसरा है उसका सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं कहां पे ये चीज आती है। मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स आर कंस्ट्रेन्ड बाय द वेट एंड साइज ऑफ द बैटरीज। हाइब्रिड मटेरियल सीम्स टू बी द ओनली ऑप्शन। ऐसा नहीं है, सजेशन है ये, सॉल्यूशन ओनली है ऐसा नहीं है। ए वाला गलत हो गया। बी, सिंस मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स आर कंस्ट्रेंड बाय द बल्किनेस ऑफ द बैटरीज, रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग हाइब्रिड मटेरियल केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन वो हाइब्रिड मटेरियल करेगा क्या? वो एक चीज को तो बताया, दूसरा वाले चीज नहीं बताया आपने, ये पार्शियल एक्सप्लेनेशन हो गया। अरे बोलो। हाँ यार, मतलब बेसिकली उसने ये बताया कि हाँ प्रॉब्लम स्टोरेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसी से स्ट्रक्चर भी बनाओगे ये तो नहीं बताया आपने। सी, बाय बिल्डिंग कार्स विथ मल्टी फंक्शन मटेरियल। क्या पैराग्राफ में मल्टी फंक्शन मटेरियल? मल्टी फंक्शन तो कई सारे फंक्शन दे सकता है, लेकिन ये जो मटेरियल है केवल स्टोर एनर्जी और स्ट्रक्चरल डायमेंशन की बात कर रहा है, मल्टी फंक्शन की बात तो नहीं कर रहा है। रिसर्चर एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशन टू द वेट एंड साइज ऑफ बैटरीज व्हिच आर अ ड्रैग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन कैसे, ये बात नहीं बताई गई इसमें। डी देखो, द स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स कैन बी द सॉल्यूशन टू द बल्किनेस ऑफ द बैटरीज दैट कंस्ट्रेन बोथ द मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स। कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स, कार्स की बात कर रहे हैं या मटेरियल की बात कर रहे हैं? मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको ये फाइंड करना होगा कि इसमें, ये तो तय हो गया कि इसमें से कोई भी आपके पास परफेक्ट आंसर नहीं है। यू सी, ये रियल क्या-क्या क्वेश्चन है। क्या-क्या क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात कहता है क्या होगा, हो सकता है कि चारों के चारों आंसर सही दे दें, हो सकता है एक को आंसर सही नहीं देगा। तुमको उसमें से लीस्ट वर्स्ट आंसर फिल्टर करना होगा, या चारों के चारों राइट दे दे, तुमको बेस्ट राइट आंसर चूज करना होगा। यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ दे प्ले विथ योर साइकोलॉजी, राइट? अब तुम मेरे को बताओ इसमें से बेस्ट, ओनली सॉल्यूशन वाला तो नहीं जा सकते, मल्टी फंक्शन मटेरियल वाला भी नहीं जा सकते, स्ट्रक्चरल फॉर्म में बता रहा है लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि वो बेसिकली करेगा क्या। इस ऐसे में तो हमारे पास आंसर बताओ कौन सा बचता है, डी वाला ऑप्शन। क्या बोलता है? सिंस मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर कंस्ट्रेंड बाय द बल्किनेस ऑफ द बैटरीज, रिसर्चर्स आर एक्सप्लोरिंग हाइब्रिड मटेरियल केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पार्शियली करेक्ट है। अरे बोलो। हाँ या ना? बट वी विल कंसीडर इट टू बी द बेस्ट आंसर। इसमें यही होता, केपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, अगर हो जाता तो ये बेस्ट आंसर हो जाता।
एक वर्ड काट दिया है और ऑप्शन उतना बेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि इसको छोड़ के और कोई हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कौन से आंसर को मार्क करेंगे बेटा? बी वाले को। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई बी इज द राइट आंसर बेटा? इट इज नॉट द परफेक्ट आंसर आई एम टेलिंग यू, बट इट इज द बेस्ट अवेलेबल आंसर एंड वी हैव टू फाइंड द बेस्ट अवेलेबल आंसर ओनली बेटा। सी बाय बिल्डिंग कार्स विथ मल्टी फंक्शन मटीरियल, नहीं बिल्डिंग कार्स विथ मल्टी फंक्शन मटीरियल, मल्टी फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना, मल्टी फंक्शन मटीरियल में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। Researchers are exploring a solution to the weight and size of batteries, which are a drag on the development of the electric and hybrid cars. But we cannot go for multifunction material. Why? Because multifunction material can have 100 uses. Here we are talking about only two. B is the closest when it comes down to the overall essence of the paragraph. B is the closest. It is not the best. It is the closest. Right? Why D is wrong? Huh? The structural form and function of electric and hybrid cars can be the solution to the bulkiness of the batteries that constrain both the manufacturers and designers. But here we are not telling that the structural form will be made of material which will store the energy. Basic problem to storage of energy, you see the structural form of change kar rahe ho. Are bolo haan ya na? So the best answer out here can have, we can go for is what? B. Haan. हाइब्रिड मटेरियल होता तो हम लोग मान लेते हैं, हाइब्रिड मटेरियल भी नहीं, अ मटेरियल विच कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड स्टोरेज ऑल्सो। हाइब्रिड मटेरियल की बात नहीं, हाइब्रिड कार्स की बात किया है वो कार्बन कॉम्पोजिट की बात कर रहा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन टू इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कार्बन कॉम्पोजिट एंड हाइब्रिड मटेरियल। लोहा और कपड़े को मिला करके भी तुमने सटा के कुछ बना दिया तो वो भी हाइब्रिड मटेरियल है। इट डज नॉट मीन दैट इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड ओनली व्हिच इज व्हेन इट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एंड द कार इज बीइंग मेड बाय दैट पर्टिकुलर मटीरियल, दैट स्पेशल कॉम्पोजिट थिंग, राइट? सो आई डोंट थिंक सी इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर, द क्लोजेस्ट आंसर आउट हियर इज बी। इट्स अ रियल कैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द बेटर नोन चेंजेस Life on Mars and Oh Pretty Things all appeared on the same album. कहता है कि कुक्स जो है बोवी का सबसे फेमस सॉन्ग नहीं था। बोलो करेक्ट है ना? कुक्स जो है वो बोवी का सबसे फेमस सॉन्ग नहीं था, फिर भी सबसे ज्यादा हिट हुआ कौन सा गाना? कुक्स। But many of his fans have taken to Twitter to praise it in the wake of his death. लेकिन उनके मरने के बाद सबसे ज्यादा फेमस कुक्स गाना हो गया है, नोटिंग इट्स एंडेमिक क्वालिटी, इट्स ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस। तो बेसिकली ये बोवी नाम का जो जो बंदा है, इसने बहुत सारे गाने, अगर आपने सुना हो, इज अ वेरी फेमस सिंगर, राइट? रॉबर्ट बोवी है या फिर जॉन बोवी है, ऐसा कुछ नाम है इसका। सो ही इज अ वेरी फेमस सिंगर, बहुत सारे गाने गाए, कुक्स से बेटर गाने गाए, लेकिन फेमस कौन सा गाना वो उनके मरने के बाद? कुक्स। क्यों? क्योंकि वो ओपननेस, अपने एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस के लिए बहुत ही फेमस है। ए, बोवी सॉन्ग कुक्स हैज ऑलवेज बीन अ फेवरेट विथ हिज फैंस हु हैव नॉट टेकन टू ट्विटर टू प्रेज द सॉन्ग इन द वेक ऑफ हिज डेथ। उनकी मौत के लिए थोड़ी ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अरे क्वालिटी ऑफ सॉन्ग होगा कुछ जिसके वजह से वो फेमस हुआ होगा। ए तो गलत हो गया। बी, Bowie's Cooks has captured imaginations as a piece of advice to a child and for its quality of innocence and acceptance. कहता है कि वो एडवाइस, वो पीस ऑफ एडवाइस टू अ चाइल्ड है और क्वालिटी ऑफ इनोसेंस एक्सेप्टेंस, ठीक है वो है, लेकिन वो सॉन्ग फेमस हुआ है ऐसी बात तो नहीं बोली गई, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन हो गया है।
द सॉन्ग कुक्स वॉज रिटन बाय बॉवी एज अ सेलिब्रेशन ऑफ पेरेंटहुड एट द बर्थ ऑफ हिज सन. कहां लिखा गया कि उसका बेटा पैदा हुआ था तब उसने गाना गाया था? लिखा गया है क्या कहीं? नहीं. डी देखिए, कुक्स मे नॉट बी बॉवीज मोस्ट फेवरेट सॉन्ग बट इट्स थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ओपन एक्सेप्टेंस सर्व एज अ मीन्स ऑफ गाइडेंस टू अ ग्रोइंग चाइल्ड. दिस हैज मेड इट वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सॉन्ग्स. आई थिंक दिस इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट बेटा? बुलवाया है कि? ठीक है. ऑनलाइन वाले बच्चे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था माइक का, इससे थोड़ी सी देर लग गई. बस चलिए ठीक है, अच्छी बात है. आप लोगों को समझ में आएगा आपकी क्वेश्चन. फोर्टीन वाला क्वेश्चन पढ़िए पहले. बस करना ना करना अलग की बात है, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए पहले. क्वेश्चन को पढ़ के समझिए. चलो, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन. बट देयर आर सॉलिड रीजंस व्हाई द वर्ल्ड हैज नाउ कन्विंस इटसेल्फ दैट ऑयल इज वर्थ मच लेस देन बिफोर. सॉलिड रीजंस हैं. क्या सॉलिड रीजन है? कि ऑयल का जो कीमत है अब पहले से बहुत ही कम. चलो, तो ऑयल इज वर्थ लेस than before. ठीक बात है, लिख लिया मैंने. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू. ऑन वन साइड ऑफ द लेजर देर इज सप्लाई नॉट ओनली ऑफ ऑयल इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ अदर फॉसिल फ्यूल्स विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर इट. पहली पॉइंट तो ये है कि भैया सप्लाई बहुत ज्यादा है. किसका सप्लाई? ऑयल का बहुत ज्यादा है. और सिर्फ ऑयल का ही क्यों? ऑयल की जगह पे इस्तेमाल होने वाला क्या? गैस. उसका भी सप्लाई बहुत ज्यादा है भाई, जरूरत से ज्यादा सप्लाई है. विच कैन ऑफ इट नॉट ओनली गैस विच इज मोर अबंडेंट देन एनीवन वुड हैव इमेजिन्ड अ फ्यू इयर्स अगो. तो सीएनजी इतना ज्यादा है कि पेट्रोलियम का कोई पूछ ही नहीं है साहब. भाई हम सऊदी अरेबिया से तेल क्यों खरीदें जब हम सेम इंजन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके रशिया हमको 1/10 प्राइस पे सीएनजी दे रहा है और पेट्रोल से ज्यादा क्लीन दे रहा है और पेट्रोल की हर गाड़ी सीएनजी पे चल सकती है. तो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है ना. तो ऑयल की डिमांड कम होते जा रही है. हर कंट्री अब पेट्रोल गाड़ियों के साथ में सीएनजी भी देने लगी है हाइब्रिड.
अरे बोलो हाँ, कल के दिन अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हटाओ पेट्रोल टंकी, सीएनजी लगा दो, गाड़ियों का प्राइस वही हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। अरे बोलो आया कि नहीं। फिर क्या बोलता है, कर्टिसी टू द फ्रैकिंग बूम। फ्रैकिंग बूम क्या है, गैस सीएनजी को जमीन से निकालने का एक टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका में डेवलप हुआ था। उसमें क्या होता है, सीएनजी जो होता है एक पत्थर, शेल पत्थर होता है, उसके अंदर ट्रैप्ड होती है, राइट। तो पहले क्या होता था, उसको जो हम लोग माइनिंग करते थे तो थोड़ी भी चिंगारी लगती थी तो ब्लास्ट हो जाता था। तो फ्रैकिंग में क्या हुआ, नया टेक्नोलॉजी आया, पानी की बहुत तेज धार से हम लोग पत्थर को काटते हैं, ठीक है। तो अब सोचो कोई गैस चैम्बर, कोई पत्थर है उसके अंदर गैस ट्रैप्ड है, ऊपर से हमने ड्रिल करना शुरू किया, राइट। तो जब ड्रिल किया तो पानी से कट रहा है, चूंकि तो चिंगारी निकलने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर क्या होता है, हम लोग और दो छेद करते हैं, एक से गैस निकलते रहता है और दूसरे से पानी भरते रहता है। तो पानी जब उसमें भर जाता है, पूरा जो हॉलो होता है जिसमें पहले गैस था उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, तो वाटर का बहुत बड़ा रिजर्वायर हो जाता है, वाटर वेस्ट भी नहीं होता है वो, मेरी बात समझे। और जो पत्थर के अंदर जो गैस निकलती है तो जो 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 वैक्यूम होता है उसको जो जो वाटर होता है वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने से फायदा क्या हो जाता है, वैक्यूम नहीं होता तो पत्थर वो उसकी रिजिडिटी उतनी ही बनी रहती है। दूसरी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ वाटर बन जा रहा है। ये चीज रशिया में बहुत ज्यादा हो रही है, पूछो कैसे, क्योंकि रशिया में टेम्परेचर पहुंच जाता है कभी कभी -40 -50। अब नीचे से और जमीन के नीचे टेम्परेचर उतना रहता नहीं है, तो रशियंस क्या करते थे, हीटिंग वो लगाते थे ताकि पानी मिलता रहे। अब सरकार ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि जहां जहां पे माइनिंग होती थी सीएनजी की, बड़े बड़े शेल पहाड़, इस शहर इतने बड़े बड़े पहाड़ जिसके अंदर गैस ट्रैप था, वहां से गैस को निकाला और अंदर पानी भर दिया। और पानी को स्टोर करने के लिए वो नेचुरल रिजर्वायर का काम कर रही है, उसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ रहा है। और -40 डिग्री हो चाहे -100 डिग्री हो, जमीन के 50 फीट नीचे पानी जमना है नहीं, मेरी बात नहीं समझ। तो पानी भी स्टोर होने की समस्या चली गई, राइट। तो रशिया को इससे बहुत फायदा हो गया, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्रोड्यूसर कौन, किसकी वजह से, फ्रैकिंग बूम की वजह से। फ्रैकिंग इज अ टेक्नोलॉजी, बूम मतलब बूम आना, तो फ्रैकिंग में जो बूम आया उसकी वजह से सीएनजी का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि पेट्रोल बेचने वाले देशों को नुकसान होने लगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, ठीक बात। आगे क्या बोलते हैं, क्या चीज, हाँ हाँ नहीं, वो हीटेड पाइपलाइंस होती है, जो पाइपलाइंस होती है ना वो हीटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अंदर पानी जा रहा है और ऊपर कॉपर का, ऊपर कॉपर का जैसे डिश टीवी होता है ना, डिश टीवी देखे आप, डिश टीवी वाला जो वायर आता है देखा होगा आपने, उसमें वायर टाइप का जाली होता है, तो वो जाली जो होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है जिससे कि वो गर्म होती है। तो ऊपर के ठंडक को अंदर पानी के अंदर नहीं जाने देता, नहीं समझे आप, ऊटर के ऊपर के ठंडक को पानी के नीचे नहीं जाने देता, तो वो एक लेयर बना देता है जिससे पानी अंदर जब भी घरों में जाता है तो वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो बेसिकली तो पानी भी, पानी स्टोर करने में दिक्कत नहीं हुई उनको, और जो 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 कैरी कर रहे हैं उसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उनकी, सिवाय इसके कि बड़े बड़े टैंकरों में पानी को हमेशा गर्म करके स्टोर किया जाए। यू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट इज, दैट हैज पुश्ड रशियाज इकोनॉमी अ लॉट, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो ऑयल का वर्थ पहले से कम हो गया क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल भी है और गैस भी है। ऑन द डिमांड साइड, अब डिमांड, एक तो सप्लाई बढ़ गई, तीसरा पॉइंट ये है कि डिमांड साइड को देख लेते हैं। डिमांड साइड में प्रॉब्लम ये हुआ है, थिंग्स हैव बीन डेवलपिंग इवन मोर रैपिडली विद अ सीरियस स्लो डाउन इन द रिसोर्स इंटेंसिव इमर्जिंग इकोनॉमीज अबव ऑल डेट लेड इन चाइना। कहता है कि पूरे देशों में डिमांड कम हो गई है, जैसे कि चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, पेट्रोल वो मांग ही नहीं रहे। आगे क्या बोलता है, द फ्रैकिंग रिवोल्यूशन विल नॉट बी रिवर्स। अब जो फ्रैकिंग आ गया है उसको बंद तो कर नहीं देंगे। एंड इट इंक्रीजिंगली लुक्स लाइक द चाइनीज फ्लू, जो चाइना को बुखार आया है, कौन सा, इकोनॉमी वाला। चाइनीज फ्लू का मतलब यहां पे किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी वाला। और चाइना को जो इकोनॉमी का बुखार आया है विल बी हार्ड टू शेक, वो इतनी जल्दी जाएगा नहीं, तो डिमांड बढ़ेगा नहीं क्योंकि चाइना को बुखार आया हुआ है इकोनॉमी।
सप्लाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से गैस घुसा हुआ है, तो ओवरऑल पेट्रोलियम की कीमतों का बहुत जल्दी बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अरे बोलो, आया कि नहीं? ऑल ऑफ विच सजेस्ट दैट लो प्राइसेस शुड बी हेयर फॉर अ वाइल। और इससे पता चलता है कि ऑयल के जो कम दाम है वो भी थोड़े दिन मार्केट में टिकेगा, थोड़े दिन मार्केट में टिकेगा। अब देख लेते हैं एबीसीडी में कौन सा बेस्ट आंसर है। ए, बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज हैव रिजल्टेड इन द सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। बी, द डिमांड फॉर ऑयल हैज बीन स्लोइंग ड्यू टू स्लो डाउन ऑफ रिसोर्स इंटेंसिव इकोनॉमीज। सप्लाई हैज बीन हैम्पर्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, दस पुशिंग प्राइसेज फर्दर डाउन। ये मेरे को लगता है कि बी वाला काफी अच्छा आंसर है। सी देखते हैं, फ्रैकिंग बूम हैज रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑयल टू डेट लेड इन चाइना रिजल्टिंग इन लोअर ऑयल प्राइसेस। बात सिर्फ फ्रैकिंग बूम की तो है नहीं, दोनों डिमांड और सप्लाई की बात कर रही थी, ये वाला सिर्फ सप्लाई की बात कर रहा है। डी, फ्रैकिंग बूम ऑन द डिमांड साइड, चाइनीज फ्लू ऑन द सप्लाई साइड हैव कॉज्ड शार्प डिक्लाइन इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अब हमारा आंसर या तो बी हो सकता है या फिर बताओ क्या हो सकता है। डी, बी को एक बार और पढ़ो। The demand for oil has been slowing due to the slowdown of resource-intensive economies. बिल्कुल सही है। Supply has been hampered due to the availability of alternate resources. Supply hamper नहीं हुई, supply और बढ़ गई है। Supply बढ़ी है, supply has increased or it has been hampered. एक word है, ध्यान से नहीं पढ़ा तुरंत चूक हो जाएगा। अब बताओ मेरे को आंसर B या D? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? बी या डी? बी में, बी में हैम्पर्ड लिख के ओवरऑल टोन ऑफ द पैराग्राफ चेंज हो जा रहा है। तो वन वर्ड, थोड़ा भी ध्यान हटा तुरंत बी आंसर मार्क करके आओगे, तुम्हें लगेगा तुमने सही आंसर मार्क किया है और ये तुरंत गलत हो जाएगा आंसर। डू यू ऑल अग्री टू? यस और नो? राइट। सो द आइडिया इज दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग कैश क्वेश्चंस, the beauty of the question is in detail. जितना detailed study करोगे, एक एक word को पढ़ोगे ना, उतना ही ज्यादा मजा आएगा तुमको answer को filter out करने में। Clear है अदिति? Yes? आगे बढ़ा जाए बेटा। Question number 11 देखिए। लेजर मतलब बही खाता जिसमें हम लोग सप्लाई और डिमांड को नोट करते हैं, है ना? अच्छा, टाइमर नहीं लगा है क्या?
आंसर लिख के बताएंगे सभी लोग। रिया, हिमांशु, शुभांगी, ज्ञानेंद्र। क्या डी लग रहा है? ऑप्शन डी लग रहा है, डी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग लग रहा है। चलो देखते हैं। इफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर टू बी अलाउड एट ऑल, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया गया, इसका मतलब यह है कि अलाउ नहीं किया गया है अभी। अरे बोलो ना, इसका मतलब ये है, इतने लाइन से तुमको ये समझ में आ गया कि अभी अलाउ नहीं किया गया है। बोलो हाँ या ना। कहता है कि अगर अलाउ किया गया तो इसके ध्यान से इसको देखोगे तो ऑप्शंस में एक बार आ जाओ। ऑप्शंस में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टीज मस्ट बी रेगुलेटेड। ये तो तब होगा जब भारत में आ जाएंगी वो, यानी कि वाला तो आंसर ही नहीं होगा। और इफ फॉरेन इन्वेस्टीज, और ये इफ द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टीज इज नॉट रेगुलेटेड, इसका मतलब अभी आ चुका है तो ये भी नहीं होगा। केवल दो ही है जो सेम टोन को कैरी करता है कि अगर आया, अगर आया, यानी कि दो ऑप्शन गए तो तुम्हारा आसान 50%, केबीसी में जैसे होता है 50-50 वाला, दो ऑप्शन गया, चार लाइन वर्ड पढ़ करके तुम्हारे दो ऑप्शन गए। अब आगे देख लो। इट इज बेटर दैट दे ऑपरेट विद इन एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन, इफ अनस्क्रूपलस ऑपरेटर्स, इफ अन ठीक है, कहां गया यार। इफ नॉट अनस्क्रूपलेस ऑपरेटर्स कैन यूज द फॉरेन टैक्स टू एक्सप्लॉइट पुअरली इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव स्कोप टू एंटर गुड नेशनल इंस्टीट्यूशंस और द फाइनेंस टू ट्रेवल अब्रॉड टू एक्वायर अ गुड एजुकेशन इन एन एनवायरमेंट वेयर गुड हायर एजुकेशनल फैसिलिटीज आर इन शॉर्ट सप्लाई सच ऑपरेटर्स कुड गेट अवे विद चार्जिंग हाई फीस ऑफ कोर्सेज बैक्ड बाय इनएडिक्वेटली क्वालिफाइड फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सबस्टैंडर्ड इक्विपमेंट। कहते कि अगर नहीं हुआ तो फिर ज्यादा पैसे लूट लेंगे सब, खराब ब्रांड के नाम पे खराब सर्विसेज देंगे, पैसा लूट लेंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अब ए होगा कि डी होगा? ए, इफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर टू बी अलाउड देयर शुड बी रेगुलेटेड सो दैट द अनसस्पेक्टिंग पुअर, ये अनसस्पेक्टिंग पुअर ऊपर अनसस्पेक्टिंग पुअरली इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स है, अनसस्पेक्टिंग पुअर तो एकदम अलग चीज हो गई, वो पुअर जिसपे शक न किया जा सके, ऊपर ऐसा कुछ भी बोला ही नहीं गया है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ओनली आंसर वी आर लेफ्ट इज व्हाट बेटा, डी, यू गॉट द राइट आंसर। तो बेसिकली इन दोनों को तुम टोन की वजह से हटाओगे, इसको इस वर्ड की तरफ से हटाओगे, तुम्हारे पास जो ओनली आंसर बचेगा वो क्या होगा? डी होगा, माफ करो, भूल के आगे बढ़ जाओ। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अनस्क्रूपलस नहीं है, अनस्क्रूपलस ऑपरेटर है, अनस्क्रूपलस बदमाश लोग जो धोखा देना चाहते हैं, अनस्क्रूपलस, बोलो करेक्ट है ना। वो ब्रांड का नाम लेके तुमसे ज्यादा फीस ले लेंगे और बाद में तुमको चूस लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, अब एलिमेंट्स या फिर अनस्क्रूपलस पीपल, ठीक है, सेम है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर, होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होमवर्क है आपका। 1 से 10 तक होमवर्क करके आना है आप लोगों को। इनफैक्ट इसमें जितने भी हैंडआउट में क्वेश्चंस बचे हैं सबको करके आइएगा, क्योंकि मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसको भी नहीं टच किया है। रिमेम्बर वो मैं दे रहा हूं, घर पे आप लोग सॉल्व करिएगा, कंफ्यूज होइएगा, सिर में दर्द होगा, नहीं समझ में आएगा, वो कोई टेंशन नहीं है, अगली क्लास में हम लोग सेम हैंडआउट को करेंगे। अरे बोलो आया कि नहीं, पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा शानदार सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से 10। मैंने इसीलिए पहले नहीं कराया ताकि मैं चाहता था कि पहले आप लोग फेमिलियर हो जाएं, इसलिए आसान क्वेश्चंस कराए मैंने।
राइट, 1 से 10 तक बहुत अच्छे सवाल है, वो मैं नहीं आज टच कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग वो घर पे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ले आए, और उसके बाद अगली क्लास में मैं ये 10 सवाल कराऊंगा। एक बात है भाई? ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा पैरा समरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक